हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिप्सिज कंडीशन के बारे में, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ओके। वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम लोग समझते हैं कि लिप्सिज कंडीशन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए इसे डिफाइन करेंगे एंड देन उसे एक्सटेंड कर लेंगे टू वेरिएबल फंक्शन के लिए, ओके। सो लेट कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन इन रीजन डी, कोई भी एक रीजन डी है, ठीक है, उस पर डिफाइंड है ये फंक्शन एफ एक्स। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस रीजन डी में, अगर देन एफ एक्स इज सेड टू सेटिस्फाई लिप्सिज कंडीशन इन रीजन डी इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के सच दैट क्या हो जाए, मॉड एफ लेट्स से वाई टू माइनस एफ वाई वन लेस देन इक्वल्स टू के मॉड वाई टू माइनस वाई वन फॉर ऑल वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू द रीजन डी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फंक्शन तब बोलेंगे कि लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन रीजन डी, उसी रीजन में हम लोग बात कर रहे हैं, रीजन डी में। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं वाई वन वाई टू उस रीजन डी से, और अगर उसे फंक्शन में पुट करें एफ वाई टू माइनस एफ वाई वन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू के मॉड वाई टू माइनस वाई वन हो जाए, ओके, तब बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब फंक्शन जो एफ एक्स है वो लिप्सिज फंक्शन है, ओके। और ये जो के है उसे हम लोग बोलते हैं लिप्सिज कॉन्स्टेंट, एंड के इज कॉल्ड लिप्सिज कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये के को हम लोग बोलेंगे लिप्सिज कॉन्स्टेंट, ओके। तो एक ये तरीका है इसे डिराइव करने का, बट हम लोग इससे और एक डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं लिप्सिज फंक्शन के लिए, वो कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ वाई टू माइनस एफ वाई वन का मॉड अपॉन वाई टू माइनस वाई वन का मॉड लेस देन इक्वल्स टू के लिख सकते हैं, क्या किए, ये जो मॉड वाई टू माइनस वाई वन उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो मॉड अलग अलग है उसे हम लोग एक साथ लिख देते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी, ठीक है। ये क्या बोलता है कि मेरे पास अगर दो फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है और फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का जो वैल्यू होगा, सो दिस ये जो वैल्यू होगा ये इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ डी एक्स और किसी एक पॉइंट सी पे, ठीक है। और सी क्या होता है, कौन सा सी पॉइंट होता है, तो ए और बी के बीच का कोई भी एक वैल्यू हम लोग सी ले सकते हैं, ये डिफाइंड होता है। तो ये एलएमवीटी हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या है वाई टू और दो वाई वन दो पॉइंट है और यहाँ पे उसका सब्सट्रैक्शन भी है, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स एट कोई भी एक पॉइंट वाई डैस और इसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू के, और वाई डैस कौन सा पॉइंट है, तो वाई डैस मेरा ये वाई वन और वाई टू के बीच का कोई भी एक क्या होगा पॉइंट होगा, लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो वाई डैस हम लोग जो चूज कर रहे हैं एक आर्बिटरी पॉइंट है, ये वाई वन और वाई टू के बीच कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आर्बिटरी पॉइंट है मीन्स हम लोग ये जो कंडीशन है ये सारे वाई के लिए ट्रू होगा, ठीक है, बट वाई डैस इज आर्बिटरी पॉइंट देयरफॉर डी एफ अपॉन डी एक्स का जो मॉड होगा दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है। तो हम लोग क्या डिफाइन कर लिए,
ये हो गया हमारा लिप्सिज कंडीशन का सेकेंड कंडीशन। सेकेंड नहीं मीन्स इसके जगह हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, और ये जो कंडीशन है वो इस कंडीशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, मीन्स अगर मुझे कोई भी फंक्शन चेक करने बोले कि क्या ये लिप्सिज फंक्शन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, और अगर उसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन लिप्सिज है। ठीक है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कोई एक फंक्शन गिवन है जिसका कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग ये डिफिनेशन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम लोग इस डिफिनेशन को ऑपरेट करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। लेट्स से कि मुझे बोला गया कि मॉड एक्स को चेक करना है कि ये लिप्सिज फंक्शन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिफिनेशन लगाएंगे, एफ वाई टू माइनस एफ वाई वन फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ वाई टू क्या हो गया, मॉड ऑफ वाई टू माइनस मॉड ऑफ वाई वन, और ये वैल्यू हम लोग जानते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ नहीं है, तो क्या है, वन है। मीन्स ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वाई टू माइनस वाई वन है और के जगह क्या आ गया, वन आ गया। मतलब ये फंक्शन क्या है, लिप्सिज फंक्शन है, और इसका लिप्सिज कांस्टेंट कितना आ गया, लिप्सिज कांस्टेंट वो कितना हो गया, वो वन आ गया। इस केस में हम लोग इस डिफिनेशन को नहीं लगा सकते क्योंकि मॉड एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम लोग इस डिफिनेशन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास क्या है, दो मेथड है लिप्सिज कंडीशन चेक करने के लिए, एक ये मेथड है और एक ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए इस लिप्सिज कंडीशन के कंडीशन को डिराइव करते हैं। तो हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं fx y जो कि डिफाइंड है किसी एक रीजन में, लेट fx y बी ए फंक्शन डिफाइंड इन रीजन डी ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये जो फंक्शन है टू वेरिएबल का मीन्स आर टू रीजन पे ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो कोई एक रीजन ले लिया आर टू के प्लेन में कि डी रीजन पे वो फंक्शन डिफाइंड है एफएक्स वाई, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है लिप्सिज कंडीशन को, देन एफएक्स वाई इज सेड टू सेटिस्फाई लिप्सिज कंडीशन कंडीशन इन वाई इन रीजन डी इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट के सच दैट। अब यहाँ पे जो दो वेरिएबल का कोई भी फंक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स वाई, और ये रीजन डी में डिफाइन है, तो हम लोग इसे बोलेंगे कि लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट इस चीज़ को हम लोग जरूर मेंशन करेंगे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं लिप्सिज का, वो किस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स में या वाई में। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो वाई वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि वो लिप्सिज कंडीशन इन वाई में सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए डिफाइन कैसे होगा, ये हो जाएगा एफ एक्स एज इट इज रहेगा, एंड वाई को हम लोग वेरी करेंगे क्योंकि ये लिप्सिज कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं वाई वेरिएबल में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स वाई वन, इसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू के मॉड वाई टू माइनस वाई वन होगा। ठीक है, क्या कि हम लोग वाई में क्योंकि लिप्सिज चेक कर रहे हैं, तो एक्स को एज इट इज रहने दिए, वाई में वेरिएबल चेंज किए, जहाँ पे ये जो एक्स वाई वन और एक्स वाई टू है ये बिलोंग कर रहा है इस रीजन डी में। ठीक है, और के को क्या बोलेंगे, लिप्सिज कांस्टेंट बोलेंगे। फिर से अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन, तो वो बोलेंगे कि वो लिप्सिज फंक्शन है। ओके, और अगर हमसे ये बोला जाए कि लिप्सिज कंडीशन इन वेरिएबल एक्स, एक्स के वेरिएबल में कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है एफ एक्स टू वाई माइनस एफ एक्स वन वाई, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के मॉड एक्स टू माइनस एक्स वन कर देंगे। ठीक है,
अगर एक्स वेरिएबल में बोला जाए कि लिप्सिस को कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स को हम लोग वेरी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वन वाई और एक्स टू वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस रीजन डी से बिलोंग करेगा, ठीक है। बट हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं डिफिनेशन के लिए, तो हम लोग वाई को ही लेके चल रहे हैं। ओके, तो के हमारा क्या है, लिप्सिस कांस्टेंट है। अब फिर से हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई मॉड एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू के। अब फिर से अगर हम लोग यहाँ पे एल एम वी टी को अप्लाई करें, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को, तो क्या होगा, इसका डेरीवेटिव, इसका जो डेरीवेटिव होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। बट यहाँ पे फंक्शन सिंगल वेरिएबल का नहीं है, फंक्शन यहाँ पे टू वेरिएबल का है, तो हम लोगों को ये डिफाइन करना होगा कि किस में वेरी हो रहा है, किस वेरिएबल वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे वाई में वेरी कर रहा है, मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंशिएबल होगा वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और ये कौन सा होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ओके, डेल एफ अपॉन डेल वाई जो होगा ये वेरी करेगा, और इसका जो मॉड लेंगे तो ये बाउंडेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे y वैरी कर रहा है ना, x तो वैरी नहीं कर रहा है। तो जो भी हम लोग डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा इन y, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दूसरा डिफिनेशन लिप्सिस चेक करने के लिए। तो फिर से अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन गिवन है जिसका कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और वो पार्शियल डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है, मीन्स फंक्शन लिप्सिस है, और अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसका कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम लोग इस डिफिनेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, तो एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक रीजन डिफाइंड है जो कि एक रेक्टेंगल रीजन है, इस पर पूछा जा रहा है कि फंक्शन लिप्सिस है कि नहीं है। तो ये अगर हम लोग रीजन देखें, तो ये रीजन क्या है, सो दिस इज माइनस ए टू ए एंड दिस इज बी एंड देन माइनस बी, सो ये एक रेक्टेंगुलर रीजन मेरे पास आया, ठीक है। सो दिस इज बी, तो मेरे पास क्या आया, एक रेक्टेंगुलर रीजन पे पूछा जा रहा है, ये उसका रीजन गिवन है, और इस रीजन के अंदर पूछ रहा है कि ये फंक्शन हमारा लिप्सिस है कि नहीं है। तो मेरे पास दो मेथड है और हम लोग दोनों से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना होगा, एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स वाई वन हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू वाई टू, क्या आ जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, सो ये बच जाएगा वाई टू का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर। ओके, बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर ये फंक्शन लिप्सिस होगा, मीन्स मुझे क्या चाहिए, मॉड वाई टू माइनस वाई वन वाला टर्म चाहिए। तो हम लोग इसे फैक्टर करके उस टर्म को ले आते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड वाई टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं। ओके, एंड सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू, मुझे ये टर्म तो चाहिए वाई टू माइनस वाई वन, इसे रहने देते हैं और देखते हैं क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग मॉड का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो दिस इज मॉड वाई टू प्लस मॉड वाई वन लिख सकते हैं, और जब ये लिखेंगे हम लोग मॉड को फैक्टर करेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू का। ओके, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सो दिस इज मॉड, लेट से एक्स प्लस वाई है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और ये जो y2 और y1 है वो इसी रीजन से होगा, तो y2 जो है वेरी कहाँ तक कर सकता है, मॉड y का हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तब ये लेस देन इक्वल्स टू साइन फिर से होल्ड करेगा। तो मॉड y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, b का, मीन्स y का कोई भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, b होगा, b से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये जो y2 है इसका भी वैल्यू b से कम होगा, y1 का भी वैल्यू b से कम होगा, एंड देन मॉड y2 माइनस y1, सो दिस इज इक्वल्स टू टू बी मॉड वाई टू माइनस वाई वन। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या दिखा दिए कि ये जो हमारा मॉड एफ एक्स वाई टू है माइनस एफ एक्स वाई वन है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू टू बी
मॉड, और ये जो टू बी है ये क्या हो जाएगा, लिप्सिस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये जो फंक्शन है ये लिप्सिस फंक्शन है जिसका कांस्टेंट लिप्सिस कांस्टेंट क्या है, टू बी है। तो ये पहला मेथड से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अब अगर हम लोग सेकेंड मेथड लगाना चाहें, ठीक है, सेकेंड मेथड अगर हम लोग लगाना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग क्या करते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेते तो ये आ जाएगा टू वाई, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में विच इज टू वाई, सो दिस इज इक्वल्स टू टू मॉड ऑफ वाई, और मॉड वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी है, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू टू बी। तो अगर किसी का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए किसी कांस्टेंट के से तो ये लिप्सिस फंक्शन होता है, और ये के क्या हो जाता है, उसका लिप्सिस कांस्टेंट हो सकता है, जो कि हम लोग यहाँ से भी वेरी कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी टू बी आया, यहाँ पे भी टू बी आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड मैथड है जब डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है उससे बनाना ज़्यादा ईजी है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उसे हम लोग इस फंक्शन से लिप्सिस चेक करेंगे, ओके, और जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो हम लोग इस डिफिनेशन को यूज करेंगे, ओके। और एक प्रॉब्लम करते हैं, सो जो गिवन फंक्शन है वो है वाई टू द पावर टू अपॉन थ्री, और रीजन क्या है, मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन एंड मोड वाई लेस देन इक्वल्स टू वन। फिर से क्या, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक्चुअली ये स्क्वायर रीजन है, ठीक है, और स्क्वायर का जो साइड है वो वन है, तो उसे ड्रॉ नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं सबसे पहले, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, टू अपॉन थ्री वाई टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री, सो वाई टू द पावर वन अपॉन थ्री आ गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू अपॉन थ्री अपॉन वन अपॉन वाई टू द पावर वन अपॉन थ्री, ये लिख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, जब हम लोग डिफाइन करते हैं लिप्सिस तो क्या चाहिए, वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट के से हम लोग को चाहिए होता है। तो इसका देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो वाई चूँकि डिनोमिनेटर में है तो ये मैक्सिमम तब होगा जब वाई का वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मॉड वाई का जो रीजन है वो क्या गिवन है, मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू वन, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा जीरो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, जीरो, मीन्स जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जैसे ही यहाँ पे जीरो पुट करेंगे ये टेंड कर जाएगा किसको, इन्फिनिटी को, एज वाई टेंड्स टू जीरो, ठीक है। मीन्स मुझे कोई भी एक पॉजिटिव नंबर नहीं मिला जिससे कि ये जो वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई वो बाउंड हो, ठीक है। और जब कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला कि इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, लिप्सिस नहीं है, लिप्सिस नो लिप्सिस, ठीक है, मीन्स ये फंक्शन लिप्सिस फंक्शन नहीं है, ये लिप्सिस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट ला के दिखा देते हैं जिससे ये बाउंड होता तब बोलते हैं कि लिप्सिस है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वाई का वैल्यू हम लोग जीरो लिए जिसके लिए ये मैक्सिमम बनेगा वहाँ पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर गया, ओके। और एक देखते हैं, यहाँ पे फिर से एक फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स, और रीजन है फिर से रेक्टेंगुलर। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं, डिराइव करते हैं, सो दिस इज एक्स कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स, मॉड का प्रॉपर्टी ऑपरेट करेंगे, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स मॉड कॉस वाई एंड प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ओके, ठीक है, मॉड ऑपरेट कर दी। और जानते हैं कि जो कॉस होता है, कॉस मॉड ऑफ कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वन होगा, कॉस एक्स का भी एंड कॉस वाई का भी, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू वन प्लस वन, और मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन है, सो दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस वन। फिर से क्या देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव बाउंड हो गया ए प्लस वन से, तो ए प्लस वन क्या हो गया, इसका लिप्सिस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं लिप्सिस का। एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ जिसे आप लोग खुद से ट्राई करोगे एंड कॉमेंट करोगे इसका आंसर क्या होगा। फंक्शन की बहन है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रीजन क्या है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू वन।
इस पे चेक करना है कि ये फंक्शन लिप्सिट फंक्शन है कि नहीं है, और है तो लिप्सिट कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग करेंगे इससे लिप्सिट कांस्टेंट को यूज करते हुए प्रूफ करेंगे पिकार्ड्स का एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।